हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एम्स्टर्डम पुणे से तो बहुत अच्छा है दिव्या, मजा आ रहा है यहाँ और काम को भी काफी एंजॉय कर रही हूँ। नेहा तू इतने सडनली बाद जॉब लेकर चली गई, अभी सेटल होने के बाद मेरे लिए भी कुछ ढूंढते। मैं भी फॉरेन का कोई जैकपॉट ढूंढ रही हूँ। इवन यूके यूएस में दो तीन जगह पे मैंने अप्लाई भी किया पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। टाइम लगता है दिव्या, तुम अपनी कंपनी में भी देखो ना, उनके पास कोई ओवरसीज की ओपनिंग होगी तो तुम्हारे लिए आसान होगा। बीएनओ के फार्मेसी कंपनी में मैंने अप्लाई किया, उनके ओवरसीज ऑपरेशन साउथ ईस्ट में। स्टार्ट के लिए तो ठीक है, वहीं देख लो ना। कहाँ यार, एम्स्टर्डम किधर, साउथ ईस्ट इधर। तेरी कंपनी में कुछ नहीं है क्या मेरे लिए? मुश्किल है यार, मैं फिर भी देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, कुछ निकलता है तो तुम भी ट्राई करो। अच्छा आई बाबा कैसे हैं? ठीक है, मैं बहुत मस्त करते हैं। मुझे भी घर की बहुत याद आती है, कल पक्का उनसे बात करूंगी। ठीक है, बाय। दिव्या तुम बहन हो उसकी, उसे समझाओ। मैंने उसके लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, रिश्ता बहुत अच्छा है, वो लोग एक साल तक वेट करने के लिए तैयार है। हाँ बाबा क्यों नहीं, इसी रिश्ते के लिए तो एम्स्टर्डम गई है। आप ही ने सर पे चढ़ा रखा है उसे, इसीलिए अब वो किसी की नहीं सुनेगी। सब कुछ कर लिया आपने, आप बिना बताए चुपचाप और छोड़कर चली गई हम सबको, और आपने उसे जाने भी दिया। आई वो छोड़कर नहीं गई है, जॉब के लिए गई है एम्स्टर्डम। वो ऐसा क्या है एम्स्टर्डम में जो यहाँ नहीं है? पता नहीं कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है, कुछ पता नहीं है हमें। यहाँ तक कि उसने अपना फोन नंबर भी नहीं दिया है। आई वो उसके ऑफिस का नंबर वो पर्सनली नहीं यूज कर सकती है, मुझे भी नहीं दिया उसने। देख उसकी साइड मत ले हा? मुझे स्नेहा की मनमानी और जिद ठीक नहीं लगती, मुझे तो वो अपना दुश्मन समझती है, कुछ बोल ही नहीं सकती उसके सामने। पर आप क्यों नहीं बोलते उसे? रेखा स्नेहा की चिंता मुझे भी है, पर कोई उससे कैसे बात करे, वो कोई उंगली पकड़ के चलने वाली लड़की है नहीं। तो क्या ऐसे ही छोड़ दे अपनी बच्ची को? तो क्या करे रेखा, वो डराती है, धमकाती है। तुम्हें पता है रेखा, आज तक मैंने उसके कोई भी बात आसानी से नहीं मानी। क्या मतलब समझू मैं इसका स्नेहा? तुमने एक महीना पहले अपने जॉब की रेजिग्नेशन दे दी है, तुमने नई जॉब ढूंढ ली है, वो भी एम्स्टर्डम में, और ये बात तुम हमें अभी बता रही हो, जाने से सिर्फ एक हफ्ता पहले। स्नेहा माई बाबा है तेरे, हमसे चोरी क्यों? आई आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं बता देती तो आप दोनों जाने देते मुझे। तो जाना ही क्यों है वहाँ, यहाँ पे भी तो अच्छी कंपनीज है और तेरा जॉब ठीक चल रहा है ना? बस ठीक ही चल रहा है, और मुझे पता था आप यही कहेंगी, इसलिए मैंने सिर्फ दिव्या को बताया। आई बाबा मुझे पता था, बताया था स्नेहा ने। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? पापा उसकी गलती नहीं है, मैंने मना किया क्योंकि मुझे पता था कि आप दोनों मुझे यहाँ रोक लेते। हम तेरा भला चाहते हैं, फिकर होती है तेरी, वो नई जगह नए लोग कैसे रहेगी तू वहाँ अकेले? बच्ची नहीं हूँ मैं, 24 साल पूरे कर लिए मैंने, कम से कम आप तो खुद का ध्यान रखने दो। नेहा बाबा सारी तैयारी हो चुकी है, वीजा भी आ गया है, 15 जून से ज्वाइन करना है, फाइनल है, मैं जा रही। अब तुम ही बताओ रे, क्या उसे रोक पाना हमारे बस में था? हम जबरदस्ती नहीं कर सकते थे, नहीं हम पुलिस के पास जा सकते थे कि हमारी 24 साल की बेटी बागी हो गई है, बिना पूछे विदेश जा रही है। क्या हो गया हमारे बच्चे को विनायक? अब अगर कल को दिव्या भी स्नेहा की तरह बागी हो जाए तो? ये आजकल की पीढ़ी अपने माँ बाप को अंधेरे में रखना ही अपनी आजादी समझती है। वो फिक्रमंद माँ बाप जिन्हें अपने बच्चों के लिए हर जगह खतरा दिखाई देता है, बच्चे पार्टी में जाएं तो फिक्र, कहीं और जाना चाहें, कुछ करना चाहें तो फिक्र, लगभग हर जगह हर चीज में अपने बच्चों को लेकर उनके मन में खौफ बना रहता है कि कहीं हमारे बच्चों के साथ कुछ हो ना जाए। आज के बहुत से नौजवानों को ये फिक्र बेमानी लगती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए माँ बाप की ये फिक्र क्या सच में बेवजह है? ये डर नया था या फिर हमेशा से ही मौजूद था? डर ये कि हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत ही होगा, खतरा बिना बताए ही आता है, और ऐसा ही कोई खतरा स्नेहा की जिंदगी में भी दस्तक देने वाला है, एक अनकही दस्तक। ले बाजू बाजू, डेड बॉडी है सर, लड़की अंदर। सर पूरे स्टेशन का सीसीटीवी चेक किया पर उनमें ये बैग कहीं दिखाई नहीं दिया, शायद जानबूझकर उसने ये सूटकेस बाहर छोड़ दिया। ठीक है दीक्षित, लेकिन स्टेशन एरिया के सारे ऑटो और कैब्स को चेक करो, चांसेस है अक्यूज्ड
इसी सूटकेस में वहां तक लेके आऊंगा। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा किस औरत की हत्या कब की गई थी। 14 से 16 घंटे पहले, मतलब पिछली रात 14 जुलाई को 9 से 11 के बीच। बिल्कुल। और मर्डर वेपन कोई आम चाकू नहीं है, बल्कि कोई तेज धारा वाला चाकू रहा। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है? नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन सेक्सुअली एक्टिव जरूर। अगर कोई और जानकारी नहीं मिलती है तो इन कपड़ों से कुछ जाना जा सकता है कि उसकी गर्दन के पास एक टैटू बना है। पुलिस ईगल टैटू वाली लड़की का नाम तक नहीं पता कर पाई है, ना ही उन्हें इस केस के बारे में कोई और जानकारी मिली। पुलिस इन सवालों के कोई जवाब नहीं दे पा रही है कि ये लड़की कौन थी, इसकी हत्या कहां हुई, और कोई रेलवे स्टेशन के पास लाश वाला सूटकेस कैसे छोड़ गया। देशमुख, कोई मिसिंग कंप्लेंट मैच हुई? नहीं सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लड़की 25 से 27 साल के बीच की थी, और पिछले एक हफ्ते में इस एज ग्रुप के किसी भी लड़की की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। कंप्लेंट क्यों नहीं हुई है? घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं दी? टीवी में, अखबार में फोटो देखकर पहचान तो लेना चाहिए था। देशमुख, ऐसा तो नहीं है कि ये सब घर वालों का ही काम है, इसीलिए उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट नहीं दी, पहचाना नहीं? हो सकता है सर, लड़की सेक्सुअली एक्टिव भी थी। इतनी बड़ी न्यूज है, पुणे में किसी ना किसी को तो पहचान लेना चाहिए था। ये भी तो हो सकता है देशमुख की विक्टिम को कहीं बाहर से लाया गया। सर, अगर ऐसा है भी तो भी इतना तो पक्का है कि सूटकेस को ट्रेन से नहीं लाया गया। हमने 13 जुलाई से 15 जुलाई के बीच के पूरे स्टेशन के सारे सीसीटीवी चेक किए। अजीब है, डेड बॉडी तो है, ट्रेन से ना सही पर किसी ना किसी तरीके से तो छोड़ा गया उसको। दिव्या, बाबा आए हैं क्या? नहीं, अभी तो 4 ही बजे, पर हुआ क्या है? क्या हुआ दिव्या, इतने अर्जेंटली फोन करके क्यों बुलाया मुझे? रेखा, तुमको कुछ बताया? मुझे कुछ नहीं बताया, बोला आपसे ही बात करेगी। क्या बात है बोलो। बाबा, ये लड़की। हाँ, कौन है ये? बाबा, वो स्नेहा की दोस्त पूजा का कॉल आया था। हेलो दिव्या, तूने वो न्यूज़ देखी? वो ईगल टैटू वाली लड़की जिसकी लाश मिली थी। हाँ, सुना है मैंने, वो स्टेशन के पास सूटकेस में जिसकी डेड बॉडी मिली थी, वही लड़की ना? यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तू एक बार न्यूज़पेपर पढ़ लेना। क्यों, क्या हुआ? पिछले साल मार्च 2012 में मैंने और स्नेहा ने टैटू बनवाया था, और मीडिया वाले जो फोटो दिखा रहे हैं वो भी स्नेहा से काफ़ी मिलती जुलती है। तुम ये क्या कह रही हो? स्नेहा तो एम्स्टरडेम में है। हाँ, मैं जानती हूँ दिव्या, पर स्नेहा ने बिल्कुल ऐसा ही टैटू बनवाया था अपनी गर्दन के निचले हिस्से पे, और जो पिक्चर वाली लड़की है बिल्कुल स्नेहा जैसी लग रही है। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नेहा एम्स्टरडेम में है, ये लड़की स्नेहा कैसे हो सकती है? कुछ भी, ये आपकी बेटी स्नेहा है। दिव्या, ये तुम्हारी बहन स्नेहा है। चौबीस वर्षीय स्नेहा पाटिल पेशे से बैंकर, जो नौकरी के लिए एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स गई थी, और उसे वहीं होना चाहिए था, पर ना जाने कैसे उसकी डेड बॉडी पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर एक सूटकेस में बंद मिली। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि स्नेहा एम्स्टर्डम से कब वापस लौटी, और उसके पेरेंट्स को उसकी वापसी की खबर कैसे नहीं हुई। ताज्जुब की बात थी कि जिस शहर में वो पली बड़ी थी, वहां के अखबार में उसका फोटो छपने के बावजूद उसको पहचानने में इतना वक्त लगा। हालांकि इसके साथ ही बहुत से रहस्य भी सामने आने वाले थे, और ये केस एक बहुत विचित्र केस बनने वाला था। सर, स्नेहा तो एम्स्टर्डम में थी, वो यहाँ कैसे आई? दिव्या, ये हम पता लगा लेंगे, पर काफी अजीब है कि तुम लोगों को ये पता कैसे नहीं चला कि स्नेहा वापस आ गई। आप लोगों को सच में नहीं पता था आपकी बेटी एम्स्टर्डम से कब वापस आई थी? उसने वापस आने के बाद भी आप लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं किया?
सब मेरी उससे पिछले हफ्ते ही बात हुई थी 5 जुलाई को। तब तो वो एम्स्टरडैम में ही थी। कुछ बताया था उसने वापस आने के बारे में? नो सर, पर थोड़ी उदास लग रही थी। चेहरा उतरा हुआ लग रहा है स्नेहा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं यार, बस थोड़ी थकान है। क्या हुआ, वर्कलोड है? हाँ यार, अननेसेसरी प्रेशर दे देते हैं। मैं सोच रही हूँ रिजाइन कर दूँ। रिजाइन? कहीं कुछ और ढूंढा है क्या? नहीं अभी नहीं, पर तू ये सब छोड़ना, आई बाबा के बारे में बता। अरे तो छुट्टी लेके घर आ जाओ ना, आई बाबा से मिल लेना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। छुट्टी क्यों, एम्स्टरडैम में छुट्टी नहीं मिलती क्या? आऊंगी, जल्दी आऊंगी। अच्छा चल बाय, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। स्नेहा का चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा था, पर यहाँ आने के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन अगर बिना बताए वो आ भी गई थी तो उसे तो घर आना चाहिए था। दिव्या, स्नेहा एम्स्टरडैम कब गई थी? पिछले साल June 2012 में। उसका कोई और कलीग भी था उसके साथ? नो मैम, अकेली गई थी। इसलिए तो आई को टेंशन हो रही थी कि वो वहां अकेले कैसे मैनेज करेगी। तो कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था घर पे? नो मैम, हम साथ ही काम करते थे सर। स्नेहा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मैं सीनियर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ और वो रिलेशनशिप मैनेजर। उसने यहाँ से जॉब कब छोड़ी? जून 2012 लास्ट ईयर में? अप्रैल एंड था सर। उसके एम्स्टरडैम जाने के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। फिर कैसे पता चला? अप्रैल एंड में स्नेहा ने रिजाइन किया था, उस वक्त उसने नहीं बताया कि उसको जॉब कहाँ मिली है। लेकिन मई एंड में जाके उसने बताया कि वो एम्स्टरडैम जा रही है। NBX फाइनेंशियल सर्विसेज। जरा मुझे भी बता कैसे मिला जॉब, कोई एजेंट वेजेंट पकड़ा क्या या कुछ? जैक बताना यार। ऊपर तक पहचान है अपनी, टॉप सीक्रेट है। मुझे बताया होता तो वहाँ पर भी साथ में होते ना। बहुत मेहनत की है यार, बहुत वेट किया है, अब जाके मिली है जॉब। अच्छा ये बता, अंकल आंटी को कैसे मनाया? उन्हें पहले से बताया होता तो वो मानते क्या? अब जाके सीधा बताऊंगी कि वीजा और टिकट दोनों आ गए। स्नेहा ने कहा था कि उसकी टिकट 21 जून की है, लेकिन उससे पहले दिव्या ने बता दिया कि वो 14 जून को चली गई। वो कल की बात थी पूजा, आज की हकीकत यह है कि स्नेहा की लाश मिली है पुणे में। और सवाल ये पैदा होता है कि उसने अपने एम्स्टरडैम से आने की खबर अपने माँ बाप से क्यों छुपाई? अगर वो अपने घर नहीं गई तो कहाँ जा सकती है? तुम कुछ बता सकती हो? वो ही तो समझ नहीं आ रहा सर, मैं राधिका और वो हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। अगर उसके घर कोई दिक्कत थी तो हमारे घर आ सकती थी, पर नहीं आई। अपने घर क्यों नहीं, तुम्हारे या किसी और के घर क्यों? उसके घर में कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा था? कोई अंदाजा नहीं है मैम। कोई बॉयफ्रेंड जहाँ जा सकती हो? नहीं था मैम, पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? पूजा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि स्नेहा सेक्सुअली एक्टिव थी। ये बात अभी तक हमने स्नेहा के घर वालों को नहीं बताया है। तो पूजा क्या तुम कुछ जानती हो, स्नेहा का कोई बॉयफ्रेंड था? कोई आइडिया नहीं है मैम, उसने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। शायद राधिका को कुछ पता हो? अगर राधिका को पता होता तो उसने बता दिया होता, कम से कम स्नेहा के एम्स्टरडैम जाने की बात तो बता ही देती। पता नहीं किस चीज में फंस गई वो, उसको यहाँ पे आने नहीं चाहिए था सर। स्नेहा का एम्स्टरडैम का नंबर तक नहीं है किसी के पास। माँ बाप और बहन इन सबसे इंटरनेट के थ्रू बात होती थी, ज्यादातर बात दिव्या से होती थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इसीलिए कॉल्स और चैट उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किए। ये बात भी अजीब है कि स्नेहा ने अपने एम्स्टरडैम का नंबर किसी को नहीं दिया। दिव्या बता रही थी कि नंबर ऑफिस का था, पर्सनल नहीं, इसलिए नहीं दिया। सिर्फ इंटरनेट के जरिए बात होती थी, अजीब है। यहाँ तक कि कोई फोटो तक एक्सचेंज नहीं हुआ है जिससे ये पता चल सके कि वो वहाँ किस हाल में रह रही थी, कोई उसके साथ था या नहीं था। राधिका से भी बात हुई, पर पूजा ने यह कहा कि ना उसे और ना ही राधिका को कोई आइडिया है कि स्नेहा का बॉयफ्रेंड था या नहीं था। कुछ तो छूट रहा है, एक लड़की एम्स्टरडैम में जॉब करने के लिए यहाँ का काम छोड़ती है, एक साल पहले वो फॉरेन जाती है, फिर अचानक से उसकी यहाँ पर लाश मिलती है, वो भी एक सूटकेस में। कुछ तो मिसिंग है सर, स्नेहा एम्स्टरडैम से वापस आती है लेकिन माँ बाप बहन दोस्त किसी को कुछ नहीं पता। स्नेहा के बेस्ट फ्रेंड तक को स्नेहा के बॉयफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एम्स्टरडैम का ना सही, उसका यहाँ का नंबर तो होगा, पुराना ही सही। डिटेल निकालो उसकी, देखते हैं क्या दबाव आ रहा है। बचपन
से ही तुम जिद्दी थी। मैं तुमसे कभी ठीक से बात ही नहीं कर पाया। पापा आज जा रही हूँ, अब तो कुछ मत बोलिए। नेहा तुम बड़ी कब हो गई? हो गई पापा, आप देख नहीं पाए और ना मैं कभी समझा। I don't have any Sneha Patel amongst my office staff. Not in the whole of the Netherlands. Neither in Amsterdam nor in Rotterdam. Miss Shirley, Sneha Patel joined in June 2012. It must be around 16 June or maybe 1st of July 2012. I'm sorry, but there's no Sneha Patel from Pune, India who's joined this office. I received the details and the photo you sent too. But there's no record of any such employee. Are you sure? Yes, absolutely sure. That name is not in our records. And the photo you sent? It's not one of our employees. कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है मैडम। अप्लाई करने की डेट कंफर्म नहीं है, आप थोड़ा और पहले देख सकती हैं। देख लिया मैडम, लेकिन स्नेहा पाटिल नाम से एम्स्टर्डम नीदरलैंड के लिए साल 2012 में वर्क वीजा की कोई एप्लीकेशन नहीं है। टूरिस्ट वीजा हो सकता है, जॉब अगर नहीं किया है तो टूरिस्ट वीजा के रिकॉर्ड में चेक कर लीजिए। मैंने सारा डेटा चेक कर लिया है मैडम, लेकिन जनवरी 2012 से जुलाई 2012 के बीच स्नेहा पाटिल नाम से कोई एप्लीकेशन नहीं है। न वर्क वीजा, न बिजनेस वीजा, न टूरिस्ट वीजा, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्नेहा के एम्स्टर्डम जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला सर। जब वो एम्स्टर्डम गई नहीं तो वापस कैसे आएगी? लेकिन सबके सब झूठ क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं सर, पर इस केस में अजीब चीजें सामने आ रही हैं। सबके सब झूठ नहीं बोल सकते। स्नेहा के पुराने वाले पुणे नंबर की डिटेल्स आई? देशमुख सर गए हैं उसके लिए, शायद रिकॉर्ड से हमें कुछ मिले। अगर स्नेहा एम्स्टर्डम नहीं गई तो क्या वो अभी तक पुणे में ही थी? और अगर हाँ तो अब तक थी कहाँ? अगर वो यहीं पुणे में थी तो किसी को उसके बारे में पता क्यों नहीं चला? किसी ना किसी चीज पर तो शक होना चाहिए था। कोई तो झूठ बोल रहा था। क्या ये झूठ स्नेहा से जुड़े लोग, उसके परिवार वाले, उसके दोस्त बोल रहे थे, या वो स्नेहा थी जिसने उन सब के सामने एम्स्टर्डम जाने का एक झूठ परोसा जबकि वो कभी एम्स्टर्डम गई ही नहीं? अब सवाल ये था कि स्नेहा भी ऐसा क्यों करती? आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्नेहा एम्स्टर्डम गई ही नहीं? वो हम लोग से झूठ क्यों बोलेगी? स्नेहा के एम्स्टर्डम जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप लोगों ने स्नेहा की फ्लाइट की टिकट, उसकी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया था? वीजा ऑफिस में बात हुई है, उनका कहना है कि उन्होंने स्नेहा पाटिल के नाम कोई वर्क वीजा इशू नहीं किया। और आप लोग कह रहे हो कि स्नेहा पिछले एक साल से एम्स्टर्डम में थी, कैसे मुमकिन है? जब भी कोई विदेश में काम करने जाता है तो उसके पास वर्क वीजा होना जरूरी है, और टूरिस्ट वीजा 3 महीने से ज्यादा के लिए नहीं मिलता। और वैसे भी स्नेहा पाटिल के नाम किसी भी तरह का कोई भी वीजा इशू नहीं हुआ, इसका मतलब यही है ना कि स्नेहा एम्स्टर्डम में थी नहीं। लेकिन सर, मेरी स्नेहा से बात होती थी हर महीने कम से कम एक बार, ये कैसे हो सकता है? मेरी उससे जितने बार भी बात हुई है उसने अपने बारे में बताया है, अपने काम के बारे में बताया है, न जाने कितने बार उसने वहाँ के वर्क कल्चर के बारे में बताया है, क्योंकि मैं भी अब्रॉड जाना चाहती थी। शायद स्नेहा झूठ बोल रही थी। और क्यों, कि आप लोग बेहतर बता सकते हैं। देखिए विनायक जी, कैसे मुमकिन है आपकी बेटी पिछले एक साल से विदेश में थी और आप लोगों के पास उसका नंबर तक नहीं है? नहीं दिया, मांगा था हमने, और जब हमने जोर देकर बोला तो बोली ऑफिस का नंबर है, पर्सनल यूज के लिए नहीं है। तुम्हारी तो काफी बात होती थी ना दिव्या, तुमने नंबर क्यों नहीं मांगा? उसने कभी दिया ही नहीं मैम। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, गड़बड़ घर में ही है। 100% सर, विनायक जी के चेहरे को देख के लग रहा था कि दिव्या कहीं कुछ बोल ना दे। स्नेहा की लाइफ में कोई लड़का भी था, सेक्सुअली एक्टिव थी वो, पर वो लड़का कौन है इसकी किसी को कोई खबर नहीं। तो सर आपको ये लगता है कि घर वालों ने मार दिया होगा? एक साल तक स्नेहा को छुपा के रखा होगा और जब छुपाना मुश्किल हो गया होगा तो मार दिया। ऑनर किलिंग हो सकता है। सर कोई तो झूठ बोल रहा है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्नेहा एम्स्टर्डम नहीं किसी दूसरी जगह गई हो और वहां से आने के बाद उसे मार दिया गया होगा और ये एम्स्टर्डम वाली कहानी झूठी बनाई? Thank you.
गलत बायोडाटा लेके घूम रहा है गोविंद। लड़के का नाम स्नेहा नहीं दिशा है, दिशा मिश्रा। सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर उसका। तू तो बोलेगा ये स्नेहा नहीं, कोई बड़ी हीरोइन है तो कोई मान लेगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये दिशा है। इसकी पहचान हो चुकी है उस्मान। माँ बाप बहन सब ने देखा है दिशा मिश्रा की बॉडी को, और उन लोगों ने बताया कि इसका नाम स्नेहा पाटिल है। झोल है दोस्त, अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, ये लड़की दिशा मिश्रा थी, डिलक्स अपार्टमेंट में रेंट पर रहती थी, ये करवे चौक के पास। इधर अपना एक खबरी है, उसने सबका नाम सरनेम सब बताया। राव का कोई चांस ही नहीं है। चंडीगढ़? जी सर, चंडीगढ़। नेहा के फोन रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, उसके पुणे वाला नंबर 4448023 वाली, करीब एक साल पहले 11 जुलाई 2012 तक चालू, फिर स्विच ऑफ हुआ, उस दिन चंडीगढ़ जाए। 15 जून से 11 जुलाई तक उसका फोन लोकेशन चंडीगढ़ बता रहा है। समझ में नहीं आ रहा है देश को क्या हुआ होगा। भले ही स्नेहा का इंडिया वाला नंबर एक साल पहले बंद हुआ, पर इतना पक्का है कि वो एम्स्टरडैम नहीं गई। स्नेहा ने अपने घर वालों से झूठ क्यों बोला? अभी तक हमें यह भी पता नहीं है कि उसके घर वाले हमसे सच बोल रहे हैं या नहीं। तो घर वालों के पास उसका एम्स्टरडैम का कोई नंबर नहीं है, कैसे हो सकता है? जितनी बार बात हुई सिर्फ इंटरनेट पर हुई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। उसके एक साल पहले के फोन रिकॉर्ड निकालो, अब वही है हमारे पास। 15 जून से लेकर 11 जुलाई के बीच एक एक नंबर, कब किससे बात हुई सब कुछ पता। राइट सर। उसने अपना फोन 11 जुलाई को चंडीगढ़ में बंद कर दिया था। देशमुख, आजकल के जमाने में बिना फोन के कोई नहीं रह सकता। हो सकता है उसने अपने फोन में दूसरा सिम कार्ड डाला। IMEI ट्रैकिंग डिटेल्स निकाल, देखो अपना अंदाजा सही निकलता है। जब वो गई थी यहां से, तब उसको ये तो पता नहीं होगा कि उसका मर्डर होने वाला है। अगर वो झूठ बोलकर गई थी तो आगे का भी प्लान किया होगा। इतना सब कुछ वो अकेले नहीं कर सकती, जरूर कोई बंदा है उसकी लाइफ में जो अब छुप कर बैठा है। झूठ बोला था उसने एम्स्टरडैम के बारे में, मुझे भी यही बताया था कि जा रही है, पर वो नहीं गई थी एम्स्टरडैम, चंडीगढ़ गई। हमसे तो बोला ठीक है, अपने पेरेंट्स से भी इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैम। तुम्हारे यकीन नहीं करने से सच नहीं बदल जाएगा पूजा, झूठ तो स्नेहा ने बोला, या फिर स्नेहा की फैमिली झूठ बोल रही है और तुम दोनों इस झूठ का भागीदार बन रही हो। नहीं मैम, हम तो वही बता रहे हैं जो उसने हमें बताया था। तो मतलब स्नेहा की फैमिली भी सच बोल रही है, तो स्नेहा ने क्यों झूठ बोला होगा? हमें नहीं पता मैम। तो उस लड़के के बारे में मालूम होगा जो उसके साथ था, शायद उसी की वजह से झूठ बोला हो, या ये हो सकता है कि स्नेहा की फैमिली झूठ बोल रही है कि स्नेहा यहाँ आई नहीं, जबकि स्नेहा आई हो और यहाँ आने के बाद उसके साथ ये सब हुआ हो। मैंने तुम दोनों से कभी कोई रोक टोक नहीं की, मैंने जो करना चाहा वो करने दिया। यहाँ कुछ जॉब करना था, उसने किया। अगर तुम्हें भी करना है तो बोलो, मन में कुछ रखो मत। आप ये सब क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा हम पुराने ख्यालात के लोग हैं, शायद नहीं बदलेंगे, पर हमसे कोई बात छुपाओ मत। तुम स्नेहा से रेगुलरली बात कर रही थी, वो एम्स्टरडैम में नहीं थी तो कहाँ थी वो? बाबा उसने मुझसे भी झूठ ही कहा था। क्यों? मैं नहीं जानती बाबा, मैं कुछ शॉक्ड हुई ये सुनकर, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपा रही। उस पुलिस वाले ने कहा है कि नेहा का किसी के साथ अफेयर था, फिजिकल रिलेशन। सच बोलो दिव्या, कौन है? सुन गोविंद, मैं फिर बता रहा हूँ, लड़की चंडीगढ़ में थी और हम ये पता कर रहे हैं कि किसके साथ थी, और तुझे पता करने के लिए भेजा था कि वो पुणे वापस आई है या नहीं। और ये क्या खबर लाया तू? हाँ साहब, मैं भी वही पता कर रहा था। ये पता कर रहा था तू कि वो स्नेहा नहीं दिशा मिश्रा है, या उसके माँ बाप भी नहीं पैदा कर लिए क्या तूने? नहीं साहब, अब मालूम पड़ा तो बता रहा हूँ, वो स्नेहा नहीं दिशा मिश्रा थी और अपने पति के साथ रहती थी। मुझे लगा था कि आप यकीन नहीं करोगे, उस्मान को बोला है आपके पास में मकान मालिक को लेकर आ रहा है। एक मिनट एक मिनट, वो मैरिड भी है? सर उसके पति का एग्रीमेंट पेपर भी है, मकान मालिक आ रहा है, पूछ लीजिए उससे। एग्रीमेंट बनाकर ही मकान भाड़े पर दिया था सर। एग्रीमेंट बना है अप्रैल 2013। जी सर, दिशा मिश्रा मेरे मकान में उसके पति संजीव मिश्रा के साथ थी, करवे चौक के पास डीलक्स अपार्टमेंट।
यहाँ घर बनाते हैं। हाँ, अब यहाँ घर बनाते हैं। ये एग्रीमेंट बनाया गिरीश काले, आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है इसमें, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है। सर, दोनों शादीशुदा थे और शरीफ भी लग रहे थे सर। तो बताओ अब दोनों कहाँ हैं शराफत की मूर्तियाँ? बेलकम में हो सकते हैं सर। 15 जुलाई को संजू मिश्रा आया था मेरे पास, बोल रहा था कि अब वो लोग बेलगांव शिफ्ट हो रहे हैं। 15 जुलाई? जी सर। 11 महीने का एग्रीमेंट बनाया था लेकिन 3 महीने में ही फ्लैट खाली कर रहा था वो सर। फिर मैंने 1 महीने का रेंट काट के उसका डिपॉजिट वापस कर दिया। और स्नेहा का मर्डर 14 जुलाई को ही हो गया, मतलब पिछली रात 14 जुलाई को 9 से 11 के बीच। 3 महीने में खाली कर रहे हैं, पूछा नहीं क्यों? पूछा था सर, लेकिन संजू बोल रहा था कि फैमिली के साथ बेलगांव शिफ्ट हो रहा है एक घर में। गिरीश, फोन नंबर भी नहीं है इसमें। जल्दबाजी में बनाया था तो, लेकिन मेरे पास एक नंबर है सर, ये देखिए, ये नंबर है 4449328711। सर, इस नंबर पे दिशा से भी बात होती थी और संजीव मिश्रा से भी बात होती थी। हालांकि एक आध बार ही बात हुई है, लेकिन जब भी बात हुई है रेंट के बारे में बात हुई है सर। फिर अगले दिन संजीव मिश्रा आकर रेंट देता था सर। बंद है सर? नंबर तो बंद है, मैंने भी ट्राई किया था जब आपका ये खबरी मेरे पास आया था। गिरीश, इस लड़की का फोटो हमने हर अखबार में छपवाया था, तुम खुद क्यों नहीं आए हमारे पास? आज के वक्त में कहाँ किसको फुर्सत है सर, और वैसे भी हर कोई ईगल टैटू वाली लड़की बोल रहा था। मुझे नहीं पता था सर कि इसने टैटू करवाया है, पर इसकी फोटो कभी मेरे सामने नहीं आई सर। गिरीश, तुम्हारे उस फ्लैट में कौन रह रहा है? खाली पड़ा है सर, चाबी संजीव मिश्रा खुद देकर गया था। फोटो तो मैच हो रही है सर। क्या चेक करें, लड़की पहले चंडीगढ़ गई, वापस पुणे आई, यहाँ कर किसी के साथ रहने लगी, और नाम क्यों बताओ? आइडेंटिटी छुपाने के लिए, शायद फैमिली से डरो। किसकी? खुद की फैमिली से? फैमिली से झूठ तो उसी ने बोला सर। 15 जुलाई को संजीव खुद अपने मकान मालिक को चाबी वापस कर दिया, जबकि स्नेहा का मर्डर हुआ है 14 जुलाई। स्नेहा गायब है उसे अच्छे से पता होगा। क्या फिर ये भी हो सकता है कि सबके पीछे यही हो, इसी ने स्नेहा का मर्डर किया हो, इसीलिए शायद अभी तक हमारे सामने नहीं आया। गिरीश का लेकर रेंट वाला फ्लैट जिसमें दोनों रहते थे, चेक करो। क्या उस किराए के घर में कोई सुराग था जहां संजीव मिश्रा और दिशा, जिसे माना जा रहा था कि वो ही स्नेहा पाटिल है, उसी किराए के घर में रह रहे थे? इससे पहले कि उस किराए के फ्लैट से इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ कुछ अहम सुराग लगता, केस में एक चौंकाने वाली बात सामने आने वाली थी। सब, इस लड़के की भी आइडेंटिटी गलत है, ये संजीव मिश्रा नहीं है। अब ये क्या नया बखेड़ा है? पहले इसने आप पाटिल दिशा मिश्रा निकली, अब ये संजीव मिश्रा भी बदल गया? यस सर। सर, इसकी फोटो मैंने राधिका और पूजा को दिखाई, मुझे लगा इसके चेहरे को देख के उन्हें कुछ याद आ जाए। स्नेहा अपनी आइडेंटिटी बदलकर दिशा मिश्रा के नाम से रह रही थी, इस लड़के संजीव मिश्रा के साथ। क्या मतलब ये संजीव नहीं है? तुम दोनों जानते हो उस लड़के को? अर्जुन नाम है इसका। इसका असली नाम अर्जुन शर्मा बताया उन लोगों ने, ये राधिका का दोस्त है और राधिका ने ही स्नेहा से मिलवाया। हाय, स्नेहा मीट अर्जुन, अर्जुन मीट स्नेहा। हाय, नाइस टू मीट। आज की पार्टी का स्पॉन्सर है ये, बड़ा क्लाइंट हाथ लगा इसके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारा कमीशन ये पार्टी में उड़वाएगी मेरे से। अबे इतना भी कंजूस मत बन, इतना बचा बचा के क्या ताजमहल बनवाएगा क्या तू? इतना कंजूस थोड़ी हूँ मैं यार। बस कर। मतलब कॉमन फ्रेंड था वो। स्नेहा और अर्जुन के बीच में क्या खिचड़ी पक रही थी तुम दोनों को कैसे नहीं मालूम? उन्होंने हमारे सामने कभी कुछ शो नहीं किया मैम। पर मैम एक बात और, शायद हमारा ध्यान नहीं गया था, पर 2012 फेब में अर्जुन ने भी कंपनी छोड़ दी थी और फिर उसके बाद उससे कभी कांटेक्ट नहीं हुआ। फरवरी 2012 में अर्जुन ने अपनी जॉब छोड़ी, उसके 2 महीने बाद अप्रैल 2012 में स्नेहा ने अपने घर पर एम्स्टरडैम जाने का बहाना बनाया। यही है, पक्का स्नेहा अर्जुन के साथ ही भागी। सर, अर्जुन की फैमिली ट्रेस हो गई है, पुणे में है वो लोग, तुरंत बुलाओ उनको। ओके सर। आदेश हो। सर, ये संजीव और दिशा का फ्लैट, क्राइम यहीं पर ही हुआ है। खून के धब्बे मिटाने की कोशिश की गई है लेकिन ठीक से साफ नहीं हुए। फ्लैट तुरंत सील करो और फोरेंसिक को देखने दो और वहां पर क्या मिलता है। एक बात और देखो, संजीव मिश्रा ये नाम फर्जी है, उस बंदे का असली नाम है अर्जुन शर्मा। राइट सर। तुम्हारी दोनों शराफत की मूर्तियां बहुत बड़े झूठे निकले।
लड़की का नाम दिशा नहीं स्नेहा है और लड़के का नाम संजीव नहीं अर्जुन शर्मा है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर, शक्ल देखकर भरोसा करने लायक जमाना ही नहीं रहा सर। स्नेहा पाटिल का परिवार अब भी इस बात से सदमे में था कि उसकी हत्या हुई थी। वो ये बात भी नहीं समझ पा रहे थे कि स्नेहा उनकी दी हुई पहचान बदलकर दिशा मिश्रा नाम से पुणे में ही रह रही थी। अर्जुन शर्मा आपका बेटा है? हाँ, क्या बात है? तो आप लोग कह रहे हैं कि आपको स्नेहा के बारे में नहीं पता था? जी नहीं, अर्जुन ने कभी स्नेहा का जिक्र तक नहीं किया। अभी कहाँ है आपका बेटा? हमें कोई अंदाजा नहीं है। ये हम बहुत बार सुन चुके हैं सुलेखा जी, कुछ नया बोलिए। हमें सच में कुछ नहीं पता मैम, वो ये सब कर रहा था। फरवरी 2012 में उसने जॉब छोड़ दी, कई दिनों तक घर नहीं आया, हमें कुछ नहीं बताया। हमें ये सब बातें उसकी ऑफिस से पता चली। कहाँ था अर्जुन? 2 महीने बाद आ रहा है। कुछ काम था वहाँ। कौन सा काम? दीपिका ने तेरी ऑफिस में फोन करके पूछा था, तब पता चला कि तू काम कब का छोड़ चुका है। तू पिछले 2 महीने से कर क्या रहा था? मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। ऐसे कैसे अर्जुन, हमें बताया भी नहीं तुमने। बड़ा भाई हूँ तेरा, आराम से बात कर। अच्छा तो मैं भी ना बोलूँ, मुझसे भी बड़ा हो गया तू। माँ मैं जिंदगी बदलने में लगा, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हो जाएगा सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगा। आप लोग मेरी फिक्र छोड़ो, मैं ठीक हूँ। शायद अप्रैल का महीना था जब वो गया, फिर हमारी कुछ दिनों तक फोन पर बात होती रही, उसके बाद कोई खबर नहीं है। सुलेखा जी, वहाँ स्नेहा की फैमिली कह रही है कि उन्हें स्नेहा के बारे में कुछ नहीं मालूम, और यहाँ आपका बेटा महीनों गायब रहता है, घर वालों तक को नहीं बताता कि वो कहाँ है। लाश मिली हमें स्नेहा की, और स्नेहा अर्जुन के साथ जिस फ्लैट में रह रही थी, खून मिला उस फ्लैट से हमें, उसके बाद से अर्जुन गायब है, और आप दोनों फैमिली को नहीं पता है कि आपके बच्चे हैं कहाँ पर। तो क्या बोले हम मैम, हम नहीं जानते किसी स्नेहा पाटिल को या उसकी फैमिली को। हाँ, मैंने पहले कभी स्नेहा का नाम तक नहीं सुना। सुलेखा जी, यहाँ आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग को अर्जुन के बारे में कुछ नहीं पता, वहाँ स्नेहा की फैमिली कह रही है कि उन्हें स्नेहा के बारे में कुछ नहीं पता। चल क्या आइए, पढ़ा तो होगा, हर न्यूज़पेपर में छपा था, रिटायर्ड टीचर है ना। पढ़ा भी होता लिखा भी होता तो ऐसा कैसे पता चल जाता कि उस लड़की का ताल्लुक मेरे बेटे से। मेरा बेटा खुद लापता है, आपने उस स्नेहा की फैमिली से पूछा, कहीं उन्होंने कुछ कर दिया हो मेरे बेटे को। इस मर्डर के बाद से आपका बेटा गायब है सुलेखा जी। 15 जुलाई को फ्लैट ओनर को चाबियां दी हैं अर्जुन ने, और उसी दिन सुबह 10 बजे स्नेहा की लाश मिली हमें। लेकिन अर्जुन को लेकर हम खुद परेशान हैं, माँ को बिना बताए शादी नहीं कर सकता। स्नेहा को मारने वाले मेरे बेटे अर्जुन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप मेरे बेटे को ढूंढिए। उसे ही ढूंढ रहे हैं, मर्डर में सस्पेक्ट है वो। सुलेखा जी, आपकी इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा कि आपका बेटा आप लोगों को महीनों कांटेक्ट ही नहीं करता है। हमें भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है मैम कि माँ को बिना बताए वो किसी लड़की के साथ पूना में रह सकता है, शादी कर सकता है, और आप लोग उसकी जान बचाने के बदले उसे इस लड़की के मर्डर का सस्पेक्ट बना रहे हैं। हम नहीं बना रहे दीपिका, सबूत बना रहे। तो आप लोगों ने यह भी पता कर लिया होगा कि मेरा भाई ये सब कुछ क्यों करेगा। अगर स्नेहा ने उसका नाम बदला था तो मेरे भाई को अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, वो संजीव नहीं अर्जुन बनकर भी उसके साथ रह सकता था, शादी कर सकता था, फर्क नहीं पड़ता। सर अर्जुन का 2012 वाला नंबर 444213980 11 जुलाई 2012 को स्विच्ड ऑफ हुआ, सब कुछ काफी सोच समझ कर किया सर उसने। इसने आका फोन भी इसी तारीख को इसी तरह से बंद हुआ था? जी सर, चंडीगढ़ में। नेहा ने अगर अपना पुराना नंबर बंद करके सेम फोन यूज किया होगा तो 100% चांस है कि अर्जुन ने भी ऐसे ही किया हो। मैं काम करता हूँ, अर्जुन के फोन को IMEI ट्रैकिंग पे डलवा देता हूँ, शायद पुरानी डिटेल से कुछ निकला है। देशमुख, मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ भागने के लिए स्नेहा और अर्जुन इतनी लंबी प्लानिंग क्यों करें, और वो एम्स्टरडैम में जॉब मिलने वाली कहानी जहाँ स्नेहा कभी गई नहीं, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सर किसी के भी बयान पे बिना वेरीफाई किए भरोसा नहीं कर सकते। और इतना सब कुछ होने के बाद स्नेहा पुणे वापस आई, नाम बदल के उसने रहना शुरू कर दिया, क्यों? कौन हो सकता है जो इस बारे में जानता हो? सर अर्जुन और स्नेहा के 2 कॉमन कनेक्शन,
पूजा और राधिका, मुझे लगता है इन दोनों ने काफी कुछ दबा के रखा है। पूजा, सच बता, इस बीच स्नेहा ने तुझे कांटेक्ट किया? नहीं राधिका। हाँ लेकिन अर्जुन से तो बात हुई होगी ना तेरी। वो मुझसे क्यों बात करेगा? तो स्नेहा भी मुझसे क्यों कांटेक्ट करती? जो चीज उसने तुझे बताई सेम चीज उसने मुझे बोली। कभी तुझे पता चला कि वो एम्स्टर्डम वाली कहानी झूठी थी? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बोल क्या रही है तू? क्योंकि यार सबसे पहले तुझे ही पता चला था कि वो सूटकेस वाली लड़की स्नेहा है। नहीं यार, वो तो बस एक कोइंसिडेंस था। मुझे उसकी ईगल टैटू के बारे में पता था और जब न्यूज में देखा तो क्लिक हुआ, सोचा कि दिव्या को बता देना चाहिए। दिव्या काफी करीब थी ना वो अपनी बहन के? तुझे लगता है कि स्नेहा ने एम्स्टर्डम वाली कहानी के बारे में दिव्या को कुछ बताया होगा? मुझे भी घर की बहुत याद आती है यार। अरे तो छुट्टी लेके घर आ जाओ ना, आई बाबा से मिल लेना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। छुट्टी? क्यों, एम्स्टर्डम में छुट्टी नहीं होती क्या? आऊंगी, जल्दी आऊंगी। सर, मैंने अर्जुन की बहन दीपिका और माँ सुलेखा दोनों के नंबर टैपिंग पे डाल दिए और कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाए। सर मुझे दोनों फैमिली पे भरोसा नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं सबके सब। कह रहे हैं कि इन्हें अपने बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक काम करो शीतल, स्नेहा की वो दोनों दोस्त राधिका और पूजा, इन दोनों के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। पूरा सच नहीं बोल रही है दोनों, अगर हर कोई झूठ बोल रहा है तो ये दोनों भी अपने हिस्से का सच छिपा रही है। हाँ दीपिका। अर्जुन कहाँ है शरण? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? देखो शरण, यहाँ पर चीजें बिगड़ रही हैं। हाँ चीजें बिगड़ गई तो मुझे मत घसीटो इस सब में। तुम्हें कैसे ना घसीटू, आखिरी बार तुम ही मिले थे अर्जुन से। नहीं मैं नहीं मिला था समझे, और अगर कोई मुझसे पूछेगा तो भी मैं यही कहूँगा। और कोई मुझसे पूछेगा मैं इस सब में हुई नहीं। तुम हो शरण और अर्जुन के कजन हो, ये बात पता चलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी पुलिस को, जल्दी तुमसे भी पूछताछ करने आएंगे। अपनी फैमिली का डर ना अपने तक ही रखो समझी। मैं हूं ही नहीं सर, मैं किसी भी चीज में शामिल हूं समझी। छोड़ूंगा नहीं उस लड़के को मैं, कोई भी हो सामने आने दो, बहुत पछताएगा। हाँ माँ, दीपिका अर्जुन कहाँ है? मुझे नहीं पता माँ, मैं कैसे बता सकती हूँ? झूठ मत बोलो दीपिका, तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है। मुझे सच में नहीं पता माँ। पुलिस को उस मोबाइल नंबर के रिकॉर्ड्स मिल गए थे जो अर्जुन शर्मा यूज कर रहा था। वो नंबर संजीव मिश्रा के नाम पर था। इस नंबर पे दिशा से भी बात होती थी और संजीव मिश्रा से भी बात होती थी। इस नंबर के रिकॉर्ड से बहुत सी दबी चीजें बाहर आने वाली थी जिनसे इस केस में काफी कुछ पता चलता स्नेहा पाटिल के मर्डर केस में। देख जयदेव, चुप रहेगा तो भारी पड़ेगा। अच्छा होगा सामने से चल और बोल दे कि वो सूटकेस तेरी गाड़ी में ले जाया गया था, मैं ले चलता हूँ तुझे। ठीक है। हाँ गोविंद बोल। मिल गए साहब, वो टैक्सी और ड्राइवर दोनों मिल गए। गोविंद उसको मेरे पास लेके आ तुरंत। सर सिम अर्जुन शर्मा यूज कर रहा था और लिया है संजीव मिश्रा के नाम। इस रिकॉर्ड्स में कुछ मिला है सर, कोई है जिसे संजीव मिश्रा और दिशा मिश्रा की पूरी कहानी पता। देशमुख सबको उठा लो, बहुत सारे खिलाड़ी खेलने के मूड में लग रहे हैं, हम भी देखते हैं कब तक टिकेंगे।
मैंने एक बार एक कहानी सुनी थी जहाँ पे एक लड़की अपने टैटू का इस्तेमाल करती है। वो दरअसल एक लड़की को मार देती है जिसकी बॉडी पर भी हूबहू उसी के जैसा टैटू होता है। और लोगों को ये लगता है कि मारने वाली लड़की ही मर गई। मर्डर केस होगा अर्जुन। वो टैक्सी ड्राइवर पुलिस को बताने वाला था कि सूटकेस उसकी गाड़ी में कौन ले गया था और उसे कहां छोड़ा। हत्या उसी फ्लैट में हुई थी जिसे अर्जुन और स्नेहा ने संजीव और दिशा बनकर किराए पर लिया था। पर उन्हें अपनी पहचान बदलने की नौबत क्यों आन पड़ी? स्नेहा की एम्स्टर्डम जाने की कहानी के पीछे आखिर क्या छिपा था? पुलिस को अर्जुन के उस फोन रिकॉर्ड से जो कि संजीव मिश्रा के नाम पर था उससे क्या पता चला? अर्जुन और स्नेहा की ये लव स्टोरी क्या थी और क्या वाकई में ये लव स्टोरी थी भी? और इस कहानी में हत्या के इरादों ने किस मोड़ पर अपने कदम बढ़ाए थे? इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हम करेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।